और क्या बोलना चाहेंगे आप? छूले तू आसमां जमी की तलाश मत कर, जिले तू जिंदगी खुशी की तलाश मत कर, एक ना एक दिन तकदीर बदल ही जाएंगे मेरे दोस्त, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन तो कर। आप जैसा देख सकते हैं सबको कैप्चर करो। हाँ सर। सबको कैप्चर करो। हाँ सर। सपोज ये फोन आया बनने के लिए और इसके अंदर PMI का सर्किट है। किसका सर्किट है? PMI का सर्किट है, ठीक है। अगर मेरे पास इसका सर्किट आया बनने के लिए तो हाय दोस्तों, मेरे साथ मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, यह है लाइव दूसरा। और अभी स्टूडेंट यहां पर डाटा सीट बना रहे हैं खुद से। यहां पर हम किस आईसी का डाटा सीट बना रहे हैं? D6। यहां पर मैं मदद कर लूंगा क्या आपकी? आप खुद बनाएंगे ना? यहां पर देखिए, आप खुद बनाए, देखते हैं। ये डाटा सीट है D6 का। देखिए आज ही की क्लास हुई है और आज ये डाटा बनाना सीख रहे हैं। हमने D8 बताया है, D6 ये खुद करेंगे। और यहाँ पे गुड न्यूज में भी देखो, यहाँ कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, खुला भी तो डायग्राम है। डायग्राम पढ़ना, वो गुड न्यूज डायग्राम के लिए ही होता है, हार्डवेयर के लिए नहीं। मैं क्या बोलना चाहेंगे आपको? इंडियन का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? स्टूडेंट भी है और कैमरा मैन भी है हमारे। भाई हमारी आज काय की क्लास थी? लाइट सेक्शन का कोई सा भी हिस्सा बचा है क्या? नहीं सर। बात करें सर्किट 1 6 लेग, बात करें सर्किट 2 6 लेग, है ना। बात करें 9 बॉल की, यस सर। बात करें D8 कितनी बॉल की? 12 बॉल के बाद PMI के बाद PML 63 RT, है ना जी सर। और ये बताओ मेरे को, कोई सा भी सर्किट बनाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लाइट बनाने के लिए बहुत बड़ा कोई फंडा है क्या? नहीं सर। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ना? नहीं सर। तीन चीजें चेक करने के बाद हमारा रिजल्ट निकल जाना। हाँ सर। लाइट सर्किट को इंटरनली हमने समझा, है ना, कैसा होता है, कितने वोल्ट आते हैं, है ना, कितने एन मिलेंगे हमको I2C, हमको कौन सी IC पे मिलेगी, कौन सी IC पे हमारी I2C नहीं मिलेगी। हमने दो एनालॉग IC पढ़ी हमने, है ना, और हमने बाकी सारी हमारी IC कौन सी थी? डिजिटल आईसी। सबको अच्छे से समझा हमने, है ना। किसी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एक भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको ट्रेस करते नहीं बनेगा? नहीं सर। सब नहीं सर, है ना। CA BSA की लाइन नहीं मिलेगी, PWM की लाइन नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। जो आपने आज किया, आपने शायद मेरे हिसाब से उसका डायग्राम भी बनाया होगा पहले की डेली के मुताबिक। आप जैसा देख सकते हैं, सबको कैप्चर करो। हाँ सर। ये सर 6 लेग का सर सर्किट 2 बनाया सर हम। अच्छा। और आज लाइव क्लास में मोबाइल किस किसने चालू करे भाई? अपने पास का डेट सेट किसने चालू करा जिसपे लाइट नहीं आ रहा था? हाँ आइए थोड़ा बताइए, क्या 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 प्रॉब्लम थी आपके सेट में? 5A सेट था, MI का 5A सेट था, उस पर 4 वोल्ट आ रहा था डिस्प्ले कनेक्टर पर, लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। उन पर 1.8 वोल्ट एन का मिसिंग था। अच्छा। ग्राफिक्स ऐसी चेंज करने के बाद वो हो गया। ठीक है। आपको -5 प्लस 5 भी नहीं मिल रहे थे उसके अंदर, ये नहीं मिल रहा था 1.8। आपने जैसे ही 1.8 IC चेंज किया, है ना, IC चेंज करने के बाद आपको -5 प्लस 5 मिल गया, है ना। ठीक है। और आपने क्या किया सर? वो जो सेट में घर से लाके आया था उस सेट पर किसने काम किया था? अच्छा। जैसा कि देव सर ने बताया था उस ट्रिक को फॉलो किया। हाँ। और उसके बाद उसका बूस्ट कॉइल और बूस्ट कैपेसिटर चेंज किया, वो लाइट आ गया। तुमको सारी चीजें सब सही मिल रही थी। जी, आपको 4 वोल्ट भी मिल रहा था। जी, आपको EN भी मिल रहा था। उसके बाद भी आपका लाइट के जो वोल्टेज होते हैं वो बन नहीं रहे थे आपके। जैसा आपको देव सर ने बताया। हाँ। कि भाई अगर इस कंडीशन में सबसे पहले आप IC बदलने से पहले आप क्या चेंज करके देखो, बूस्ट कॉइल और डायोड चेंज करके देखो। आपने बूस्ट कॉइल और डायोड चेंज किया और आपका काम
डन हो गया। अच्छा इसके बाहर कुछ है क्या, तुम बताओ। नहीं, 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 सब जितने भी आप डेड सेट लाए थे, डेड सेट में हर डेड सेट में तो पहले तो हैंडसेट को चालू करना होता है, उसके बाद लाइट बनता है, ग्राफिक्स बनता है, ठीक है। अब तुमने डेड सेट लाए थे, तुमने हाय दोस्तों मेरे साथ मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, ये है लाइट दूसरा, और अभी स्टूडेंट यहाँ पर डाटा सीट बना रहे हैं खुद से। यहाँ पर हम किस आईसी का डाटा सीट बना रहे हैं? D6। यहाँ पर मैं मदद कर लूंगा क्या आपकी? आप खुद बनाएंगे ना यहाँ पर? देखिए आप खुद बनाए, देखते हैं ये डाटा सीट है D6 का। देखिए आज ही की क्लास हुई है और आज ही डाटा बनाना सीख रहे हैं। हमने D8 बताया है, D6 ये खुद करेंगे। और यहाँ पे बोर्डियो में भी देखो, यहाँ कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, खुला भी तो डायग्राम है, डायग्राम पढ़ना बोर्डियो डायग्राम के लिए ही होता है, हार्डवेयर के लिए नहीं। तो दोस्तों ये हमारी लाइट सेक्शन की क्लास, आपने जिस तरह से देख रहे हैं, ये लाइव डायग्नोस हम करते हैं स्टूडेंट के सामने, जिस तरीके से आईसी कोई सी भी हो हम हर सर्किट को बताते हैं, जो सेट नहीं हो वो हम उपलब्ध कराते हैं कि हर सर्किट को ये समझ पाए। ऐसा नहीं है कि कोई सेट नहीं है तो वो सर्किट छोड़ देते हैं, जो रेगुलर जो डेली टू डेली आज की डेट में, क्योंकि हम सर्किट खुद बनाते हैं, यहाँ जो भी पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल खुद बनाते हैं, और कुरियर से फ़ोन आते हैं, मार्केट से फ़ोन आते हैं, स्टूडेंट अपने फ़ोन लाते हैं, तो बनाने को खूब मिलता है, तो इसलिए नॉलेज बहुत है और वो नॉलेज को बांटने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों आप देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपना हर दिन का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा, और आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा शायद कोई एसर टेलीकॉम पहला इंस्टीट्यूट बन चुका है जो अपने हर दिन के स्टूडेंट को दिखा रहा है। या आप देखे होंगे कि यही स्टूडेंट आपको बहुत पहले भी दिखाई दे रहे होंगे, और वही स्टूडेंट आप देखो आपको तो आज हमारा जो सेक्शन है गाइज, आज है हमारा डिस्प्ले लाइट के ऊपर है, लाइट सेक्शंस के ऊपर है। तो आज जो आज आपने लाइट सेक्शन पढ़ा है, तो कैसा रहा आज की क्लास? सर बहुत अच्छा रहा सर। अगर हम कोई भी सर्किट बात करें लाइट आईसी की, 6 लेग की हो या 6 लेग में कितनी आती है? 6 लेग में कितनी आती है? दो आती है, सर्किट वन सर्किट टू आती है। तो अब देखते पहचान जाएंगे कौन सा सर्किट वन है सर्किट टू है। तो यहाँ पे बात करें तो ये 6 लेग कैसे आपने बनाए हुआ है? रेडमी 5A का बनाया हुआ है, कौन सा सर्किट है ये? सर सर्किट टू है सर। ये कैसे पता चल रहा है, सब कुछ आपको पता है? कैसी रही आज की क्लास? सर बहुत अच्छी। कितना वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए सारा कुछ पता चला? हाँ सर मालूम हो गया सर। ओके चलिए, आप क्या कर रहे हो? सर हम 5A का लाइट आईसी का सेक्शन बना रहे हैं। लाइट आईसी का सेक्शन बना रहे हैं, चलिए ठीक है कंप्लीट करिए। आप क्या कर रहे हो? सर PMI का भी चेक कर रहे हैं। अच्छा PMI मतलब अगर PMI अगर 6 लेग की ऐसी नहीं लगी है तो PMI में चेक करते हैं। PMI का सर्किट होगा, उसमें हमें पता चल जाएगा लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है। लाइट सेक्शन खोलना सर्चिंग में। ये क्या बनाया आपने? ये सर्किट वन है सर। सर्किट वन पहचान जाएंगे सर्किट वन सर्किट टू? ये सर पता। कहाँ पे कितना 4 वोल्ट आना चाहिए सब बता पाएंगे? हाँ यस सर। आप क्या कर रहे हैं? सर ओप्पो के A37 का 12 लेग का लाइट आईसी का डायग्राम बना रहा है। फोन का है? फोन यहाँ पे है सर। नहीं हाँ ये फोन से ट्रेस करके बना रहे हैं कैसे देख के बना रहे हैं? जी सर ट्रेस करके बना रहे हैं, देखकर भी डायग्राम पे। सर ट्रेस करके बनाइए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सर 9 वोल्ट का 9 वोल्ट की लाइट आईसी बना रहे जी सर। चलिए कंप्लीट करिए। आप क्या कर रहे हैं? सर्किट डायग्राम टेस्ट कर रहे हैं। डायग्राम कैसी रही आज की लाइट का सेक्शन? कहाँ पे हमें 4-4 वोल्ट आना चाहिए, कब हमारा बूस्ट वोल्टेज बनाएगा, सब कुछ बताया गया यहाँ पे, लाइव बताया गया, वोल्टेज सारे आपको चेक करा है, वो आपको ट्रेसिंग में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? चलिए ठीक है। क्या कर रहे हो अभी आप? डिस्प्ले लाइट सेक्शन ठीक कर। डिस्प्ले लाइट सेक्शन कैसा रहा? बढ़िया रहा सर, एकदम शॉर्टकट तरीके में सर ने हमने सब कुछ फुल डिटेल दिया कि ऐसा कुछ छूट गया हो अभी? जो कुछ भी नहीं छूटा सर, सब कुछ मिला है आपको? अभी क्या कर रहे हो? डिस्प्ले लाइट सेक्शन। तो जो पढ़ाया गया वो चीज मिल रहा है कि नहीं? हां सर वही मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। एक्यूरेट
एक्यूरेट मिल रहा है। ये क्या बनाया आपने? ये लावा Z60 का डिस्प्ले आईसी का कनेक्शन, 6 लग की है। सर्किट 1 है, सर्किट 2 है, सर्किट 2 है सर। कहाँ कहाँ पे 4 वोल्ट मिलेंगे थोड़ा बता सकते हैं? यहाँ पर 4 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वेरी गुड। और ये कैपेसिटर के पास, डायोड के पास, ओके, और ये कनेक्टर, वेरी गुड। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह में 4 वोल्ट मिलेंगे अगर हमारे सर्किट सही हुई तो। सर जब ऑन होगा तो हमारा कहाँ पे मिलेगा बूस्ट वोल्टेज? यहाँ पर डायोड के माइनस सिरे में, प्लस में, माइनस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा ना, क्योंकि रिवर्स नहीं जाएगा। चलिए आप क्या कर रहे हो? आईए का डिस्प्ले, आईसी का, लाइट आईसी का बना रहे। सर्किट 1 है, सर्किट 2 है? सर्किट 2 है सर, सर्किट 2 है, सर्किट 1 है। बोर्ड में देखे पहचान जाएंगे? हाँ पहचान जाएंगे सर। चलिए ठीक है, कहाँ पे 4 वोल्ट आना चाहिए, कहाँ पे, मतलब लाइट आईसी का सेक्शन चाहे सर्किट 1 हो चाहे PMI हो, देख के पहचान पाएंगे आप? हाँ देख के पहचान पाएंगे सर। ओके चलिए ठीक। आप क्या कर रहे हो? सर टेम्बो TF का सर्किट 1 का बना, सर्किट 1 लगा हुआ है, देख के पहचान पा रहे हैं? हाँ एकदम सर। सर्किट 1 है कि सर्किट 2 है? एकदम सर। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए। चलिए हम थोड़ा, आप बताइए, जैसा कि मैं डेली आपसे आता हूँ और आपके पूरी डिटेल में लेता हूँ और आपका डायग्राम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि मैं डेली आपसे पूछता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या बनाया आपने सर, क्योंकि जो आपने बनाया हो सकता है आपने कहीं देख के लिख दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, देख, क्योंकि हम आपसे डेली ही पूछ रहे हैं, रोज आ रहे हैं आपके पास। राइट सर। तो चलिए बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। लाइट सेक्शन में हम लोग पढ़े थे ये आपका ये 6 लेग्स लाइट आईसी जो है, ओके, तो इसमें ये सर्किट 1 है, ओके, सर्किट 2 है, पहचान जाते हैं देख करके। सर बिल्कुल, ओके ओके, क्योंकि बूस्ट कॉइल के साथ जो डायोड लगा होता है, ओके ओके ओके, मतलब देख के हम पहचान जाते हैं कि हमारे लाइट सेक्शन है, सीरीज में हमारा डायोड मिल जाता है, तो बस सारी चीज आपको डीपली नॉलेज मिली। बिल्कुल, थोड़ा जल्दी से आप हाईलाइट कर दीजिए क्या क्या आपने बनाया है इसमें सप्लाई को। तो सर ये BTU है जो VPS देता है, जो यहाँ पे भी इन हो रहा है, ओके ओके, 6 नंबर पॉइंट से, ओके, और उसके बाद सर ये EN है जो एक्टिव सप्लाई आता है, ओके, 5 नंबर पॉइंट पे, और ये 4 नंबर जो हमारा यहाँ से बूस्ट कॉइल के साथ के साथ 4 वोल्ट बनाता है, और फिर यहाँ डायोड से होके यहाँ 50 ओम का कैपेसिटर से होते हुए ये आपका हमारा जो है यहाँ पे 18.6, मतलब ये आपका 4 से जी नहीं वोल्टेज आपके आ सकते हैं जी सर। फिर अब कैसा लग रहा है अभी लाइट सेक्शन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत। अब हमें जो भी चीज बताई गई सर ने वो चेक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। फिर हमें लाइट पे अगर 6 लेग की लगी है, PMI का सर्किट है, सारा डायग्नोस कर पाएंगे? फेसिंग तो सर बहुत डायग्नोसिस इतना इजी हो गया कि मतलब क्या फेस कर फाइंड आउट कर पाएंगे जी सर। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? लाइट काम कर रहा था और एक 5A का लाइट प्रॉब्लम था। 5A का लाइट प्रॉब्लम था, लाइट बनाया, क्या काम किया इसमें? 4 वोल्ट आ रहा था लेकिन ऑन करने का बार बूस्ट वोल्ट नहीं मिला था, ओके, और ग्राफिक्स फीचर्स में 1.5 वोल्ट मिसिंग था, ओके, ग्राफिक्स फीचर्स चेंज करने के बाद लाइट आ गया। तो ये आपने लाइव काम किया है? हाँ लाइव चालू हो गया, फोन हो गया, सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। तो ये लाइव आपने प्रैक्टिकल बनाया कि किसी टीचर ने आपके हेल्प की? प्रैक्टिकल ने खुद बनाया है लाइव, खुद बना लिया है, लाइव बनाया, कैसा लगा ओवरऑल आप? अच्छा, खुश लग रहा है अभी। सही लग रहा है? सही लग रहा है। चलिए ठीक, आप क्या कर रहे हैं अभी? सर यहाँ पर मैं इस डायोड में 4 वोल्ट चेक कर रहा हूँ मिल रहा है या नहीं, और ये मैं पहले 5A का डायग्राम बनाया हूँ जो ये 5A का डायग्राम, हाँ, जो ये बोर्ड का था, इसके बाद मैं ये ऑनर का चेक कर रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, करिए कंटिन्यू। आप क्या कर रहे हैं? मैं सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ 5A का लाइट। ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर। ये आपने जो बनाया है सर्किट 1 है सर्किट 2 है? ये सर्किट 2 है सर। सर्किट 2 है, पहचान जा रहे हैं जी सर। इस सारे सप्लाई को नॉलेज कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का मतलब कहाँ पे हमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, किस ऐसी से आएगी, देख करके पहचान जाएंगे अभी जी सर। कोई भी आपका PMI हो या PML हो, कोई भी सर्किट हो, मैं लाइट सेक्शन को देख के पहचान पाऊंगा ये लाइट सेक्शन, और ट्रेसिंग भी कर पाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्रैक भी ट्रेसिंग कर पाऊंगा, वोल्टेज भी ट्रेसिंग कर पाऊंगा। ओके ओके चलिए ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहा था। ट्रेसिंग कर रहे हो, कौन सा सर्किट है ये? ये सर्किट 1 है और ये सर्किट 2 है। दोनों समझ में आ रहा है सारी चीज, कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, कितने पे ये आना चाहिए, सब कुछ? यस सर। क्लियर है अभी? यस। चलिए ठीक है, कंटिन्यू।
क्या कर रहे हो आप? सर 5 एकन लाइट का सर्किट डायग्राम बनाया है अभी तक। उसके बाद मैंने हवाई का भी खोल रहा था, वो मेरा सेट डेड है, तो 5A के हिसाब से ये कर रहा था। मैं सेकंड टाइम में कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, अब ये आईसी लगा रहा था। अच्छा, कैसे लगी आज की लाइट सेक्शन क्लास? बहुत बढ़िया। समझ में आई कहाँ पे हमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब वोल्टेज आएगा, बूस्ट वोल्टेज कब बनेगा, डायोड क्या काम करता है, बूस्ट कॉइल क्या काम करता है, सारा कुछ आपको डीपली नॉलेज मिला? हाँ जी सर। सर्किट देख के पहचान जाएंगे? हाँ जी सर, पता लग जाएगा 9 वोल्ट वाला कौन सा है। ओके। या फिर सर्किट बंद कौन सा है, जैसे 2 था इसमें 5A में, वो मैं 2 का कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो? लाइट सेक्शन का ये कर रहे हैं। लाइट सेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। कौन सा सर्किट लगा हुआ है? बोर्ड सर्किट 2। सर्किट 2 6 लेग का सर्किट 2। अगर 6 लेग नहीं लगा होता तो किसमें होता फिर? तो फिर अगर PMI होता या PM होता तो PMI होता। PMI में लगा होता। PMI में क्या क्या वोल्टेज चेक करना होता है? प्लस ये पॉजिटिव वोल्ट और पॉइंट। एक सेकंड, क्या किया आपने अभी? क्या सर, किसी ने काम किया था इससे पहले? ओके। देव सर ने जैसे बताया था, इस पहले आईसी चेंज किया, उसके बाद उस बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर को चेंज किया, वो आ गया। आ गया। तो क्या फाइनली आपने क्या किया? उसका आईसी और बूस्ट कॉइल कैपेसिटर तीनों चेंज किया। तीनों चेंज किया, आ गया। इनके जोरदार तालियां बजा दीजिए, लाइव इन्होंने बनाया। चलिए, आपने क्या काम किया? सर मैंने इन दोनों की वो खरीद, ये आईसी में दोनों पहचान करी है। कौन सा सर्किट है? एक सर्किट ये वाला जो सर्किट बना है और ये सर्किट 2 है। अच्छा, पहचान हमें समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। अब हमें कहाँ कहाँ पे वोल्टेज कितना आना चाहिए सारा कुछ डीपली नॉलेज मिला है। हाँ जी सर, डीपली नॉलेज। और आपने ये सर्किट कौन कौन सा बता दीजिए? ये सर्किट पहले मैंने 2 बनाया था, सर्किट 1 के लिए बोला। चलिए ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो सर ने बताया था वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वही प्रैक्टिकल में मिला सर, वही। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हो? लाइट सेक्शन में ये 5A का सर्किट बनाया है। सर्किट बना रहे जी। तो ये ट्रेसिंग करने के जो भी सर ने पढ़ाया, बूस्ट कॉइल, डायोड और हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर, ये सारी चीजें मिल रही है? मिल रहा है, मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहे हैं। इधर दिखाइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कौन सा बना रहे हैं आप सर्किट 2 में? सर्किट 2 में 5A का। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, कहाँ पे इनपुट आ रहा है, कहाँ पे आउटपुट हो रहा है, कैथोड की लाइन, एनोड की लाइन? 6 में आ रहा है, 4 वोल्ट। ओके। BPH ESW आ रहा है, स्विचिंग वो हमें हमारी एनोड की लाइन हो जाएगी जी सर। चलिए, समझ के जो भी आप कर रहे हैं समझ में आ रही सारी चीजें, कहाँ पे हमें 4 वोल्ट आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सब कुछ जी सर। चलिए ठीक, क्या कर रहे हैं अभी हम? डायग्राम बना रहे। किसका? फाइव ए का बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, अब देख के पहचान पाएंगे लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है हमारा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। अभी आप क्या कर रहे हो? थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन करिए। ये जो लाइट सेक्शन है 5A का, इसके आसपास जो कंपोनेंट्स है, कौन पिन से कहाँ पे कनेक्टेड है, उसको मैंने पूरा बनाया है। तो आज की क्लास कैसी लगी ओवरऑल? बहुत अच्छा, समझ में आई सारी चीजें? तो जो आपने यहाँ पे पढ़ा, जो थ्योरी क्लास देव सर ने पढ़ाया, वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कहाँ पे हमें 4 वोल्ट आना चाहिए, कब बूस्ट वोल्टेज बनेगा, सारी चीजें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आपने क्या काम किया? 5A के लिए उनको ड्रेसिंग करके सर्किट बनाया था। सर्किट बनाया यहाँ पे सर्किट 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सा सर्किट है? 5A का 6 लेग का सर्किट 1 की 2। 1A के 2 है? 2 है सर। 2 है, पहचान में आ जाएगा सर्किट 1 है कि 2 है? हाँ, आराम से आ जाएगा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल आज की क्लास? आपकी ग्राफिक्स हो गई, लाइट हो गई, जैसा जैसा सेक्शन चल रहा है समझ में आ रही सारी चीजें? देव सर का पढ़ाने का तरीका हार्ड तो नहीं है? नहीं, इजी है, समझ में आ रही सारी चीजें, और वो चीज प्रैक्टिकल में मिल रही है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो? डायग्राम बनाया। तो ये आपने कहीं देख के उतार, बाजू वाले का देख के तो उतार लिया क्या? नहीं, चेक करके बनाया। चेक करके बनाया, कहाँ पे हमें कितना? अच्छा, आप चलिए चेक करके बनाया, तो आप हमें बताइए 4 वोल्ट कहाँ कहाँ आना चाहिए? BPH पे आता है। थोड़ा बताइए कहाँ 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 पे, किस किस पिनों पे आएगी 4 वोल्ट? बूस्ट कॉइल पे आएगा, बूस्ट कॉइल पे आएगा, डायोड पे जाएगा, 4 वोल्ट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, फिर इधर बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल से
16 वोल्ट आएगा ये जब हमारा स्विचिंग होगा तब स्विचिंग होगा पर हमारा कनेक्टर भी 4 वोल्ट मिलेगा जब तक फोन ऑन नहीं होगा तो जी सर ओके ये सारी चीज समझ में आ रही है तो ये थी हमारी लाइट सेक्शन की क्लास और ग्राफिक्स की कल हुई थी आज हमारा लाइट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी तो ऐसे ही मिलते रहेंगे थैंक यू कितने मतलब जो पहले दिन के स्टूडेंट हैं इन्हीं स्टूडेंट को आप देख रहे होंगे कि पावर आईसी निकालते लगाते इन्हीं स्टूडेंट को देख रहे होंगे सीपीयू निकालते लगाते इन्हीं स्टूडेंट को देख रहे होंगे हर सेक्शन को अटेंड करते हुए और ये प्रैक्टिकल लैब है स्टूडेंट अपने सेट को निकाल के डायग्नोस करते हैं जो भी सेट आप लेकर आएंगे उसको डायग्नोस करेंगे फॉल्ट बनाएंगे एंडलेस तक पहुँचेंगे और जितनी भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे आईसी खुद देते हैं और सेट में लगा के दे देते हैं हम उनका पैसा भी नहीं लेते हैं आईसीज का पैसा हम स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं लेते हैं और जो आईसीज नहीं होती हैं वो स्टूडेंट अपने फिर शॉप पे जाकर उसको लगाता है बट फाइनली उसका एक आउटपुट निकलता है दोस्तों एक इंस्टीट्यूट एक ट्रेनिंग पर्पस ये हमारे आपको एक प्रिपेयर करने के लिए होता है कि हम दुकान पर बैठ के काम चालू कर सकते हैं दुकान पर बैठने के बाद फिर आपको बहुत और कुछ भी सीखने को मौका मिलता है पर सही ट्रेनिंग आपको एक सही मार्गदर्शन और सही निर्देशन देती है जो आपको भटकने नहीं देती है और सही ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करें इसे टेलीकॉम थैंक यू वेरी मच तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है लास्ट डे क्या करके गया लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए उसको लगाए भी पूरा पूरा लास्ट डेट आपने क्या किया सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया निकाला क्लीन किया वो मैटर समझ में आई आपको बिल्कुल सर सीपीयू भी किया लास्ट डे क्या करके गए लास्ट डबल डेकर किया है डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर डबल डेकर किया लास्ट में डुअल डेकर किया ना आपने लास्ट डे क्या किया डबल डबल डेकर सीपीयू करके गया जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर डबल डेकर सीपीयू और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है तो कैसे डबल करके लगाना है क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की ये आपने किया सारे स्टूडेंट ने की सब स्टूडेंट ने आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर डबल डेकर क्या मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबोलिंग बहुत अच्छे किया आपने पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया बिल्कुल आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया आज हमने डबल डेकर किया सर डबल डेकर किया आपने आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर या आपने खुद किया खुद से यस सर खुद किया आपने क्या किया आज के दिन का बताओ आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप उसको भी किससे किया आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से यस सर यूनिवर्सल ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने और सीपीयू उतार दिया था आज आपने क्या किया सर ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर हम 25 पर क्या किया आज के दिन बताइए सर हमने ड्यूल डेकर किया सर ड्यूल डेकर किया आपने मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट